बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त आपका इंस्ट्रक्टर इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद बात कर रहा हूँ कसूर सिटी से। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रैनो सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ कमांड को ऑपरेट किया, तो आज अपने कोर्स की तरफ फर्दर प्रोसीड करते हुए कुछ कमांड्स को देखेंगे। आज बहुत ही एक बेटर कमांड है और बहुत ही मोस्ट और यूजफुल कमांड है, डेट कमांड इज ए कर्व। तो चलते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशंस को रन करते हैं। जैसे मैं अपने एप्लीकेशंस को रन करता हूं, तो यहां से कर्व कमांड को उठाते हैं। तो यहाँ से मैंने कर्व कमांड को ऑपरेट किया, तो इसकी फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले सारी ऑप्शंस को रीड करते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट कर्व, और नीचे बता रहा है कर्व थ्रो पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट करने को थ्रो पॉइंट कहते हैं, यानी किसी भी एंगल और जाविये के ऊपर किसी कमांड को रोटेट करने का नाम जो थ्रो पॉइंट बता रहा है। उसके अलावा दूसरे कमांड्स हैं इंटरपोलेट पॉइंट्स बाय हैंडलर्स, यानी कि ये जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी मैनुअल या जस्टिफाई किसी एंगल के ऊपर और जाविये के ऊपर इनको जस्टिफाई किया जाता है। तो बाय हैंडलर्स का मतलब अपने हाथ की मदद से किसी भी शेप को आप आसानी के साथ क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा मेरे पास एक कमांड है हैंडल्स कर्व और स्टिच, स्टिच ऑन पॉलीलाइन मैश। मैश बेसिकली एक जाल को कहते हैं, जैसे मछली का जाल होता है, पॉइंट देन नेक्स्ट पॉइंट, और एक एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के तसलसल को कायम करने का नाम मैश कहते हैं, और जाल और पंजाबी में उसको जाल कहते हैं। तो इसमें जो बेटर हमारी कमांड्स हैं वो दो हैं, ये पहली दो वाली कमांड्स जो सीएनसी की फील्ड में और वुड आर्ट्स की डिज़ाइनिंग के ऊपर जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं वो दो यही हैं कमांड्स। तो इनमें से पहली कमांड्स को जिक्र करते हैं, कर्व थ्रो पॉइंट देन कंट्रोल पॉइंट कर्व्स। तो थ्रो पॉइंट का मतलब होता है देन मैंने एक पॉइंट को क्लिक किया, देन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड कर, जैसे मैं करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसे कितने एंगल के ऊपर और जाविये के ऊपर आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने वर्किंग के दौरान आप जैसे इसको जस्टिफाई करना चाहें ये कर सकते हैं। जैसे आपको आपकी कमांड जस्टिफाई होगी, अब आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपने अपने माउस की मदद से फर्स्ट क्लिक करते हुए देन नेक्स्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर, जैसे आप अपने माउस की मदद से करेंगे तो ये कमांड खुद ब खुद डीएक्टिव हो जाएगी। और उसी कमांड को दोबारा से रिएक्टिव करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड की मदद से स्पेस का बटन ऑपरेट करेंगे, ये देखिए। इसके अलावा दूसरी कमांड को देते हैं बाय हैंडल्स कमांड, ये आसानी के साथ आप एक टेंजेंट लाइन की तरह ये काम करती है, एक तसलसल के ऊपर काम करती है, इसकी एक तो खूबसूरती ज्यादा मेंशन की जाती है। और आपको कहीं से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी अगर आपको नज़र आ रही है तो यहाँ एक कमांड होती है हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स ऑन ऑन, किसी भी जितनी भी लाइन हमने लगाई होती है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, किसी भी और पॉइंट्स को आप यहाँ से ऑन करना चाह रहे हैं तो देन उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा कर
जहाँ पर आपको आसानी के साथ उसको जस्टिफाई करना हो, वेरीफाई करना हो, आप उठा कर कर सकते हैं उसको। ये देखें, इसके अलावा कमांड आती है हैंडलेस कर्व, तो ये अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर काम करती है। ये देखें, और आपने कीबोर्ड की मदद से फर्स्ट क्लिक करते हैं तो वहां से ये कमांड आर्थो की शेप के ऊपर काम करती है। इसके अलावा आगे लैड कमांड इज मैश, तो मैश बेसिकली एक आसानी के साथ जैसे किसी भी खाकी को लिखते थे छोटे बच्चे अपने ड्राइंग्स के ऊपर, उसी तरह ये आपने ये देखी। बहुत ही आसानी के साथ इजीली कमांड है। इसके अलावा आप इसको भी ठीक करना चाहें तो इसके पॉइंट्स आप ऑन कर सकते हैं। आगे कमांड्स है क्विक, तो इसमें दो पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तीसरे पॉइंट को खोलकर अपने आर्ट्स की डिग्री को डिग्री का तयन करना होता है। इसके अलावा टेंजेंट एट स्टार्ट, टेंजेंट एट स्टार्ट एंड एंड, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। यहां से आपने स्टार्ट किया फिर एंड पॉइंट के ऊपर गए, फिर यहां से आपने उसको वेरीफाई किया। ये देखें, इसको वी स्लाइडिंग भी कहते हैं और यू स्लाइडिंग भी कहते हैं। और आप इस प्रकार को इस तरफ खोलेंगे तो ये देखिए,
ये हिलिक्स की कमांड है। उसके साथ ये कमांड है फ्लैट स्पीडियल कमांड। इसमें इसका एक सिरा छोटा होता है और दूसरा सिरा इसका बड़ा होता है। ये देखें, तो ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।